हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू वन मोर न्यू वीडियो ऑफ एस बाला ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्वेता बाला एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डीबीटी जेआरएफ 2017 क्वेश्चन पेपर। टुडे आई डिस्कस द सेक्शन ए एंड दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन ए। ओके, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेसन। If you like my video, please hit the like button, and those who are new, I request them, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates and notifications of my video lectures. Okay, so let's move on and देखते हैं आज का सबसे पहला question. So सबसे पहला question है, प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट्स प्रोटीन एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अमाइनो एसिड साइड चेन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कंटेन साइड चेन्स। साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनके साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड सेरीन। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट आर द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड, और वी कैन से दैट द एसिडिक अमाइनो एसिड्स। सो दे कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ साइड चेन। ओके, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी मूव टू द सेरीन, थ्रेओनिन एंड टायरोसिन। ओके, वी सी दिस ऑप्शन लेटर। फर्स्ट वी चेक आउट द रेस्ट द टू ऑप्शन, दैट इज सी एंड डी। इन ऑप्शन सी, लाइसिन, अर्जिनिन एंड प्रोलिन। सो लाइसिन एंड अर्जिनिन बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, दैट इज दे कंटेन अमाइनो ग्रुप इन देयर साइड चेन। ओके, NH3 ग्रुप इज प्रेजेंट इन देयर साइड चेन्स एंड प्रोलिन कंटेन द इमिनो ग्रुप। ओके, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज थ्रेओनिन, फेनाइल एलिन एंड अर्जिनिन। सो थ्रेओनिन कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज देयर साइड चेन, बट द फेनाइल एलिन एंड अर्जिनिन दे बोथ डोंट कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर साइड चेन्स। अर्जिनिन हैव NH3 ग्रुप इन देयर साइड चेन एंड फेनाइल एलिन कंटेन द फेनाइल ग्रुप। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। एंड द लास्ट वन, दैट इज द बी ऑप्शन विच इज द करेक्ट वन, इन विच सेरीन, थ्रेओनिन एंड टायरोसिन। सो सेरीन, थ्रेओनिन एंड टायरोसिन, ऑल दीज थ्री अमाइनो एसिड कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर साइड चेन। ओके, हेयर इज द देयर स्ट्रक्चर। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि सेरीन में यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इन देयर साइड चेन। Similarly, in tyrosine there is also a OH group is present. Okay, although it's a aromatic amino acid, but one OH group is attached with this phenol ring. Okay, phenyl ring, and this is the threonine which contain also one OH group. So correct answer is answer number B. चलिए next question देखते हैं। इन अ सेगमेंट ऑफ ट्रांसक्राइब्ड जीन द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द फॉलोइंग सिक्वेंस। वॉट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग 5' to 3' सिक्वेंस इन RNA प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑफ द जीन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे आपको दे क्या दिया गया है, नॉन टेम्पलेट। रिमेंबर दैट ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिक्वेंस दे दिए गए हैं, और अब पूछा ये जा रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी इसका कम्प्लीमेंट्री या यूं कह लें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ओके, सो इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा, दैट सपोज दिस इज द नॉन टेम्पलेट वन। ओके, विच सिक्वेंस इज गिवन है, सो द कम्प्लीमेंट्री वन इज दिस वन। ओके, दिस वन इज द कम्प्लीमेंट्री बेस। ओके, सो इसमें से कम्प्लीमेंट्री बेस सिक्वेंस जो होंगे उसके करस्पॉन्ड अगर RNA का प्रोडक्शन हो रहा है, सो RNA का जीन सीक्वेंस क्या होगा। ओके,
ओके सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या होता है नॉन टेम्पलेट एंड क्या होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड्स. सो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर दोज स्ट्रैंड्स विद विच हुज कम्प्लीमेंट्री वी जिसके कम्प्लीमेंट्री में हम हमारे आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, यानी जिस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान करके आरएनए की सिंथेसिस की जाती है उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटीसेंसेस स्ट्रैंड. एंड इसके अपोजिट जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड है हमारा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रैंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड. सो व्हाई वी कॉल्ड इट कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, बिकॉज जो सीक्वेंस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है ठीक वही सीक्वेंस जो हमारा आरएनए ट्रांसक्राइब होता है उसमें मौजूद होता है. ठीक है, सो हमारा ये जो सीक्वेंस आरएनए जो कि फाइनली जाके प्रोटीन की कोडिंग करेगा उससे मिलता जुलता ये सीक्वेंस होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द कोडिंग स्ट्रैंड और द सेंस स्ट्रैंड, बिकॉज इट गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोटीन, सो इट मेक्स सम सेंस. दैट्स व्हाई, बिकॉज दिस आरएनए स्ट्रैंड इज गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड मेकिंग समथिंग सेंसफुल. बिकॉज ऑफ दैट दिस डीएनए स्ट्रैंड विच इज सिमिलर टू दिस आरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड और द कोडिंग स्ट्रैंड. ओके सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है. सॉरी फो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमारा ये जो जीन है यहाँ पे जो आरएनए सिंथेसाइज होगा उसके सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है. तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं जस्ट उनका ही बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस होता है, बस अंतर क्या होता है टी की जगह पे वहाँ पे यू होती है. तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सीक्वेंस है जो कि मैच कर रहा है. एंड ये बहुत ही इजीली डिटेक्ट हो जाएगा बिकॉज ए एंड ए ओनली एक जगह पे मौजूद है, डेट इज़ ओनली इन द ऑप्शन नंबर बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 43. इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ अ डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज एक्स, देन द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेम सेल एट द मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन वुड बी. सो वी ऑल नो दैट द सेल साइकिल हैव फोर फेजेस. ओके वन इज G1 फेज, दैट इज G1 फेज, देन S फेज सिंथेसिस फेज और S फेज, आफ्टर दैट द G2 फेज एंड द लास्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द M फेज. ओके सो इन G1 फेज इफ द सेल साइकिल हैज एक्स डीएनए, देन आफ्टर दैट G1 व्हाट हैपेंड इन द S फेज, द डीएनए कंटेंट गेट डबल इट्स नंबर. ओके एंड दिस डबल नंबर इज कैरिड आउट थ्रू द G2 फेज एंड इन द M फेज. ओके एंड इन द M फेज हियर व्हाट दे आस्क अबाउट द मेटाफेज, सो इन द मेटाफेज द डीएनए कंटेंट इज जस्ट द डबल ऑफ द G1 फेज. ओके बिकॉज यहाँ पे अभी टेलोफेज नहीं आया है जहाँ पे कि दो सेल्स अलग अलग डिवाइड होकर के अपने ओरिजिनल डीएनए कंटेंट को मेंटेन करें. यहाँ पे भी M फेज है जहाँ पे कि जो डॉटर या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच है एंड इक्वेटोरियल प्लेट पे प्रेजेंट है. सो उस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, तो डीएनए कंटेंट होगा वो डबल होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2x. ओके चलिए बढ़ते हैं आगे. द अल्फा हेलिक्स इन अ प्रोटीन इज प्राइमरली ड्यू टू, सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वे इन दिस ऑप्शन देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फर्स्ट इज इंट्रामोलिक्यूलर एंड सेकेंड वन इज द इंटरमोलिक्यूलर.
So the correct answer is option number 1, intramolecular. Why? क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर. ओके जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं सपोज, ओके जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं एंड उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देन दिस इज कॉल्ड द इंटर मॉलिक्यूलर. बट एक मॉलिक्यूल के अंदर ही उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ओ एंड अमाइनो ग्रुप के अमाइन ग्रुप के एच के बीच में. ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाइनो एसिड विथ एसिमेट्रिक कार्बन बीटा एटम आर. सो इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बीटा कार्बन के लिए भी कायरल कार्बन कंटेन कर रहे हैं, या कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक से अधिक कायरल कार्बन कंटेन कर रखे हैं. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थ्रियोनीन एंड आइसोल्यूसीन. ओके हियर इज द स्ट्रक्चर. आइसोल्यूसीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कायरल कार्बन हैं, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकेंड वन इज द बीटा. ठीक है, यहाँ पे बीटा में भी जो चार ग्रुप्स अटैच हैं. ओके एंड देयर इज द थ्रियोनीन ग्रुप. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बाय डी एच ए, वेयर डी इज द डोनर एटम, एच इज द हाइड्रोजन एटम एंड ए इज द एक्सेप्टर एटम, विच इज डिपेंड्स ऑन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टर डिस्टेंस एंड लिनियरिटी ऑफ द एंगल डी एच ए एंड द नेचर ऑफ द एटम्स ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स. ओके सो उनमें कितनी पोलैरिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रेंथ में है, कितना स्ट्रॉन्ग है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द वंडरवॉल एनर्जी ऑफ अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज, सो इट इज 0, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट मीट एट एवरी ब्रांच नोड इन द फाइलोजेनेटिक ट्री. सो मिनिमम नंबर कितने होंगे जो कि हर एक ब्रांच नोड पे होंगे. सो ब्रांच नोड क्या होता है, दिस इज द कॉल्ड ब्रांच नोड. ओके ये डॉट जो आप देख रहे हैं ये है ब्रांच नोड्स. ब्रांच नोड वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि डिफरेंट एजेस आकर के मिलती हैं. ओके सो क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि मिनिमम कितने ब्रांच नोड होंगे. सो मिनिमम कितने एजेस होंगे एट वन ब्रांच नोड. सो हमारा जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है वो डाइवर्ज करता हुआ होता है, इट्स अ डाइवर्जिंग डिपिक्शन. ओके तो डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्ज करने के लिए मिनिमम एक ब्रांच से दो ब्रांच में बाइफर्केशन होना ही जरूरी है. ओके तो इस कारण से अगर हम मिनिमम एजेस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3. सो किसी भी नोड पे मिनिमम 3 एजेस आकर के मिलेंगे इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट थ्योरी एन एगोनिस्ट इज डिफाइंड एज. फर्स्ट ऑफ ऑल एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं या रिएक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, जो उनको एक्टिवेट कर दें उन्हें कहते हैं एगोनिस्ट. सो यहाँ पे इंड्यूस फिट थ्योरी के हिसाब से एगोनिस्ट किसे कहेंगे, अ कंपाउंड विच प्रोड्यूस एक्सोथर्मिक इफेक्ट, नो,
A compound which occupies the receptor for a longer period. No, induced fit theory is about the enzyme and substrate. ओके उनके बाइंडिंग को लेकर के थ्योरी दी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एंजाइम जो है वो उसके जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो बेस जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं उनके बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री होते हैं उनसे थोड़ा बहुत जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं एंड ये सबस्ट्रेट क्या करते हैं उन डिफरेंसेस को जब वहाँ पर पहुँचते हैं अपने सुटेबल एंजाइम के पास तो उसको इंड्यूस करते हैं और उसमें जा कर के फिट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि एक एंजाइम एक से अधिक सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट कर पाता है ओके सो इंड्यूस फिट थ्योरी के अंदर एग्निस्ट वैसे कंपाउंड्स होंगे जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करें काम करने के लिए रिएक्ट करवाएं तो वो कौन से होंगे हमारे सब्सट्रेट होंगे ओके सब्सट्रेट जो कि कन्फर्मेशनल चेंज लाएं सो अ कंपाउंड दैट इंड्यूसेस अ स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज इन द मैक्रो मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द एगोनिस्ट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज फाउंड टू बी एक्सप्रेस्ड वेरी पुअरली इन इकोलाई इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट द एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड एट द ट्रांसलेशनल स्टेप द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू टेस्ट दिस इज सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस कराया गया इन इकोलाई बट उसका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही कम आ रहा है ऐसे में हाइपोथेसिस ये दिया गया वजह ये बताया गया इस पुअर एक्सप्रेशन का कि जो ट्रांसलेशन स्टेप है वो ब्लॉक है देर इज़ अ ब्लॉकेज एट द ट्रांसलेशन स्टेप ओके सो इसको पता अगर हमें करना है इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए इसके पहले किसी भी ट्रांसक्रिप्शन के लिए या आप जो ओपेरॉन देखते हैं उसमें क्या होता है किसी भी जीन को प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए दो स्टेप्स चाहिए होते हैं पहला होता है डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एंड देन होता है आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन सो यहाँ पे दो स्टेप्स होती हैं पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड है ट्रांसलेशन सो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रांसलेशन स्टेप ब्लॉक है इट मींस कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन स्टेट है वो सही होना चाहिए अगर वो सही है देन हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रांसलेशन स्टेप में ब्लॉकेज था ठीक है दैट्स वाई एक्सप्रेशन जो है वो कम हो रहा था ओके तो यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमारा डीएनए एंड बिकॉज कि यहाँ पे हमारे पास आरएनए मौजूद है सो हम आरएनए इसके लिए डीएनए लार्ज नंबर में हमें उसको क्वांटिफाई करना होगा तो लार्ज नंबर में डीएनए अमाउंट चाहिए इसके लिए हमें आरएनए से डीएनए को प्रोड्यूस करना होगा ठीक है तो इसके लिए हम वैसे टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाए ओके तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है पहला है पीसीआर फॉलोड बाय सिक्वेंसिंग सो पीसीआर शुरू करने के लिए हमें जो हमारा इनिशिएटर मॉलिक्यूल चाहिए वो चाहिए डीएनए सो हम ये स्टेप नहीं यूज कर सकते हैं इनिशियली ओके सेकेंड है हमारा क्वांटिटेटिव आरटीपीसीआर सो यस क्वांटिटेटिव आरटीपीसीआर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इन केस ऑफ वेयर वी यूज क्वांटिटेटिव पीसीआर जहाँ पे कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल आरएनए होता है वहाँ पे हम क्वांटिटेटिव आरटीपीसीआर के मदद से हम हमारे कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करते हैं एंड आफ्टर दैट इस डीएनए सीक्वेंस को हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हैं ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइज आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस Okay, thanks for watching my video. For more information and query, you can join me on Telegram. This is my Telegram channel, Life Science Tutorials. And also please subscribe my channel today. My channel is Aspala Tutorials. Thank you and bye-bye. And once more, all the best for all the DBT BET aspirants.